जी कौन? मुबीन गबूल कौन यार? मुबीन गबूल 10-12 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ भाई, जियो न्यूज पे शो किया, अभी खबरदार आपके साथ ही काम कर रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता। ओके, हम इसका अपने व्यूवर्स भी छोड़ देते हैं कि क्या आया वो आप जानते नहीं जानते। व्यूवर्स तो मुझे वैसे तो पता नहीं जानते होंगे यकीन, लेकिन इस वक्त शायद ना पहचान पा, लेकिन वो क्वेश्चंस की बेस के ऊपर डिसाइड करें। अच्छा, एक अपीयरेंस के हिसाब से मैं कह दूं, अपीयरेंस के हिसाब से अभी शहबाज शरीफ बन के मैं उतरा हूँ, अभी आधा ही शहबाज शरीफ, आधा शहबाज शरीफ मैंने उस वक्त उकाशा ने बहुत अच्छा संभाला डॉक्टर साहब के जाने के बाद, लेकिन को होस्ट तो फिर डॉक्टर साहब ही है, इसमें कोई शक। ओके, मतलब डॉक्टर अरूबा देन उकाशा देन नया। लेकिन उकाशा ने बहुत अच्छा संभाला, एग्जैक्टली, पता नहीं लगने दिया कि शी हैंडल्ड इट रियली वेल, एग्जैक्टली ऐसे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, आप रैंक किसे करेंगे, लाला मुबीन गबूल? ये बड़ा, लाला मेरा भाई है छोटा, बट आई थिंक लाला बहुत अच्छा करता है, लाला बहुत सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे करता है, मैं तो बस एम ही जरा टाइम पास ही। ओके, आप मींस ये थोड़ा सा ना बच रहे हैं तरीके से। ओके, कॉमेडी आर्टिस्ट बबू राणा, नासिर चुनौती, आपके फेवरेट कौन से? क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ जस्ट इस शो से रिलेटेड ही कर रहा हूँ। मैं फंस ये रहा हूँ कि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको ऑफ कैमरा बातें पता हैं, मतलब देखिए ये वही बात है कि मिठास तो फिर मिठास ही होती है, लेकिन आम भी मीठा होता है, केला भी मीठा होता है, लेकिन अलग अलग जायके हैं, लेकिन दोनों मीठे होते हैं, तो अब मुझे, मैं दोनों। ये सियासी बयान, काफी लोगों से मैंने ये इंटरव्यू किया और सब ने ही सियासी बयान से काम ले रहे हैं, आई डोंट नो, इसमें यकीन करें, मतलब कभी उस तरह से सोचा ही नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, आप ट्रस्ट यकीन करें, जाती तौर पर दोनों बराबर के पसंद है, दोनों के वास्ता भी है, ताल्लुक भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे काम भी इसी नीयत से करते हैं और इस तर्ज से करते हैं कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब मिलके करते हैं। ओके, तो उस अप्रोच के साथ आफताब इकबाल वसीशा, ऑब्वियसली आफताब इकबाल, इसमें ये सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसलिए नहीं कि मैं खुदा ना खासा कोई आफताब भाई, यार मैं ना आफताब भाई का मतलब मैं ये हम निकाल देंगे, ये क्वेश्चन निकाल देंगे आप। ओके, सो नेक्स्ट रिसर्चर्स में से अगर मैं आपसे पूछूं, आप रैंक करना है आपने, और उसमें कोई इशू नहीं है, आपने अपनी ईमानदारी से रैंक करना है रिसर्चर्स में, जरियाब मोहम्मद अहमद, जरियाब मोहम्मद अहमद, अच्छा जी, जरियाब जो है वो अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसने एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड से आके रिसर्च यहाँ पे संभाली भी है, तो उसके लिए प्रॉप्स टू जरियाब, लेकिन असल मुकाबला है मोहम्मद और अहमद का, उसकी वजह ये है, अगेन जो अहमद है वो पॉलिटिकल स्टफ में इन चीज़ों को मतलब वो अपना सानी नहीं रखते रिसर्च में, यहाँ पे बहुत अच्छा वो डिटेल्स जानते हैं, लेकिन दीगर मामलात में चूंकि डिविजन्स हैं भाई, पॉलिटिकल स्टफ अहमद ने करना है, बाकी मोहम्मद ने करना है, तो वहाँ पे मूवीज वगैरह के हवाले से मोहम्मद बहुत, हाँ, माशाल्लाह, बहुत उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, इवन आईआर से मुतलिक exactly, हाँ, रिसर्च है मोहम्मद के बारे में, exactly, आर्टिकल्स वगैरह उनकी जो है ना, आर्टिकल के हवाले से रिसर्च बहुत अच्छी है, कमाल है, तो अगेन वो उस फील्ड में पॉलिटिकल स्टफ में आई विल गो टू अहमद, एंड देन अगर दूसरा कोई टॉपिक है, कोई और कैरेक्टर है तो मैं उधर जाऊंगा मोहम्मद के पास। सिंगर उकाशा, साइमा मुमताज, बिलाल अली मीर, रैंक करें। यार किस में आप अहमद साहब फंसा रहे हैं, हमें ईमानदारी चाहिए क्योंकि सारे लोग सियासी बयान खेल रहे हैं। एक पर्सनल फेवरेट होता है हर किसी का, उकाशा बहुत अच्छा गाती, उकाशा अभी अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंची ही नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है, मेरी जाती असेसमेंट है उकाशा के मुतालिक, अगर वो थोड़ा सा वो बाय द टाइम खुद ही उस पर पहुंचेगी, शी इज नॉट इवन मतलब अभी 50% पे भी नहीं है, शी इज सो टैलेंटेड एंड वेरी वेरी गुड एट सिंगिंग, तो उकाशा ने अभी अगले आने वाले वक्तों में बहुत आगे जाना है। साइमा का भी मैं फैन,
वो भी माशाल्लाह बहुत गिरफ्त रखते हैं, और बिलाल अली मियां की तो वैसे उस्ताद वो टीचर है, तो उनके फैनों के अगेन एक सियासी बयान, आप शहबाज शरीफ की उससे नहीं निकले आए थे यार, आप ऑप्शंस ही ऐसे दे रहे हैं बंदा फंस जाता है कि क्या है। ओके अब आसान से ऑप्शन की तरफ आते हैं प्लीज। शलवार कमीज जींस? जींस। कॉफी या चाय? चाय चाय। अब भी लास्ट में अब थोड़ा सा आपके बारे में पूछते हैं और हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? खबरदार के साथ रहना, आगे कितना चलना है, या कुछ मूवीज के हैं प्रोजेक्ट, या कुछ ड्रामास करने के हैं, क्योंकि देखने वालों को ताकि आइडिया हो आप आगे क्यों, क्योंकि आप जितने टैलेंटेड हैं। आपके एक क्लिप मैंने देखा था और कमाल का वो था। देखें खबरदार तो कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि वो पैशन है, शुरू से करते हुए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब आफ्ताब भाई के साथ एक ऐसी केमिस्ट्री हो गई है कि इसको तो अब छोड़ना नहीं है। अलबत्ता मामला ये हैं कि साथ में फिल्म्स भी की नहीं है जो रिलीज़ होंगी, जैसे ही कोरोना का मामला ख़त्म होगा दो फिल्में तो मेरी रिलीज़ होंगी इंशाल्लाह ड्रामास की भी ऑफर है, तो हमने सबको साथ लेके चलना है, साथ लेके नहीं चलना है, खबरदार को नहीं छोड़ सकते। मीन के लोग आपको इंशाल्लाह खबरदार में लॉन्ग टर्म के लिए देखने वाले हैं, वो ये देखेंगे ऑन एंड ऑफ छुट्टी मैंने बीच में भी है, वो तो चलता रहता है, वो चलता रहता है, छुट्टी लेके कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए आपने फिर वापस आ गए, यानी आपने ये टर्म यहाँ मुझे आप देखेंगे इंशाल्लाह एग्जैक्टली लंबा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, और हम देखते हैं कि व्यूअर्स आपको इस जवाब में कैसा रैंक करते हैं। ओके टेक केयर, खुदा हाफिज। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर जो कि सियासी तो नहीं थे, जो जो ऑप्शंस पूछी मैंने सभी को अंदर कोट किया, कैसे लगे। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि अहमद कमाल के चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।